नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि वर्ड मीनिंग रोज यूज होने वाले हिंदी से अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग, और हिंदी से अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग के बिना आप दोस्तों ना तो बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंस लिख पाएंगे अपना सेंटेंस को, जो रेगुलर आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक आपके दिमाग में वो बातें आए। जब बातें आएंगी तो वर्ड मीनिंग की ही कमी हो जाएगी, तो वर्ड मीनिंग कमी होगी तो आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो सेंटेंस अगर लिखना है, सेंटेंस वाली सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो आप सब्जेक्ट तो आपके पास रहता ही रहता है, ऑब्जेक्ट की कमी हो जाएगी वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, इसके वर्ड मीनिंग अधिक से अधिक आप याद करेंगे तो बहुत ही यूज़फुल होगा। और अगर आप लिखना चाहते शुद्ध या पढ़ना चाहते, वर्ड मीनिंग याद भी होना चाहिए ताकि आप तरह तरह के वर्ड मीनिंग पे बात कर सकें। सिर्फ वर्ड मीनिंग बोलकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटे छोटे जब सेंटेंस मैसेज या ट्वीट लोग करते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंस से ही काम चला लेते हैं, तो छोटे छोटे सेंटेंस में ये सब आएगा, कोई लंबे लंबे सेंटेंस की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको आसानी से पढ़ना बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को हमेशा ध्यानपूर्वक देखिए और कॉपी को कॉपी एक ले लीजिए। कॉपी पे सब कुछ जो है लिखते चलिए, कॉपी पे जितना लिखेंगे और उसके बाद तभी रिवीजन होगा। बार बार आप हमारे वीडियो को खोज कर देख पाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो आप कॉपी पे लिखते चलिए। दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों देखिए, 70 वर्ड मीनिंग पर बात हो रहा है, तो दोस्तों क्या करना है कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल के सर्च में या गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, या माइक पे बोलिए ओमनीसेंट तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा। साथ में हमारा प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड 750 से अधिक वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। तो जिनको पढ़ने नहीं आता वो पढ़ने से रिलेटेड वीडियो देखेंगे, जिनको लिखना सीखना है वो लिखने वाला काम के लिए जो भी तरीका बताया गया तो करेंगे, और बोलना तो जाहिर सी बात जब लिखने या पढ़ने आ जाएगा, लिखने और पढ़ने आ जाएगा तो बोलना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो सब यहाँ पर सब कुछ सब विथ इजी स्टेप होगा, क्योंकि ग्रामर की बुक की आवश्यकता नहीं है, ना तो ग्रामर की बुक, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी, वर्ड डिक्शनरी, वैक्यूबुलरी बढ़ाने के, आपका वैक्यूबुलरी यानी कि शब्द कोश जो बोला जाता है हिंदी में, तो अगर जितना ही अधिक रहेगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इंग्लिश की आपका पकड़ बनेगा। जैसे हिंदी में कौन सा ऐसा वर्ड है जो आप नहीं जानते हैं, आपने कभी याद भी नहीं किया लेकिन सारे के सारे वर्ड जानते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी आपको वर्ड सभी जानना होगा, तभी तो आप उसका यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों 70 वर्ड मीनिंग यहाँ देखेंगे और बहुत ज़रूरी है, रोज़ अगर 70 वर्ड मीनिंग आप देखते हैं और याद कर लेते हैं तो कितना ईजी होगा। तो इसे कॉपी पे ज़रूर लिखिए, कॉपी पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको कॉपी पे लिख लीजिए। तो लिखने आएगा वर्ड मीनिंग, जिनको याद नहीं है तो दो कॉलम में बना के लिखेंगे, एक इधर एक दूसरा इधर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो देखिए हिंदी इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इंग्लिश से हिंदी मिलता है, इंग्लिश से हिंदी मिलता है। डिक्शनरी जब देखते हैं ऐसे, हालांकि हिंदी इंग्लिश भी होता है लेकिन आप हिंदी जानिएगा और उसके हिंदी के अंग्रेजी ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जब सोचेंगे तो भाई कि हिंदी के बारे में, जैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आप हिंदी में सोचेंगे, जाहिर सी बात है आप हिंदी मीडियम से हैं, चलिए आपकी भाषा जो है अगर लोकल लैंग्वेज में है तो भी, या ऐसे भी हिंदी पे ही ज़्यादा आपका फोकस रहता है, तो हिंदी का वर्ड मीनिंग होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा सक्रिय का क्या होगा इंग्लिश, है ना, या जाना का क्या होगा, छोटा छोटा वर्ड मीनिंग है लोग जानते हैं, लेकिन जब भारी भारी वर्ड मीनिंग आया तो कैसे करेंगे। तो ये दो कॉलम में रहेंगे और इस तरह से टोटल 70 वर्ड आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए जो भारी वर्ड्स होगा उसमें मैं कैसे पढ़ाया जाता हूँ वो ही बताऊँगा। जैसे संस्था, अब दिमाग में अगर बोले तो संस्था तो आप बोलते हैं कि क्या होगा, तो एजेंसी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एजेंसी, संस्था या इंस्टीट्यूशन। कार्यसूची, एजेंडा, एजेंडा, खाली ये सब पॉलिटिकल वर्ड्स हैं, एजेंडा। प्रतिनिधि, एजेंट, जिसे रिप्रेजेंटेटिव भी बोला जाता है। आक्रामक, एग्रेसिव, उसके बाद देखिए एग्रेसिव कैसे लिखा गया, ISIV को से भी बोलते हैं। पूर्व यानी पहले, अगो या बिफोर भी होता है ना, बिफोर भी कर सकते, बिफोर भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर
और इसके लिए पहले भी लिख सकते हैं, अगो मीन्स पहले या पूर्व। सहमत, सहमत होना यानी कि सहमत होना या सहमत, देखिए वर्ब है तो ये हो गया एग्री। समझौता, एग्रीमेंट। कृषि, एग्रीकल्चरल, ए एल को अल बोलते हैं एग्रीकल्चरल। आह, ए एच को आह बोलते हैं, आगे, अहेड। सहायता, एड। अंग रक्षक एड, या बॉडीगार्ड भी लोग बोलते हैं बॉडीगार्ड, तो नए नए वर्ड्स को लेकर चलिए बॉडीगार्ड। उद्देश्य, एम, विमान, एयरक्राफ्ट है ना, विमान या एरोप्लेन बोलते भी हैं विमान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लिश अगर आपको आता है तो आप बहुत ही योग्य समझे जाते हैं आज के समय में, और ऐसा हो जाता है कि भाई हिंदी वाले को अगर इंग्लिश आता है तो बहुत ही योग्य बात है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले को सिर्फ इंग्लिश ही आता है, हिंदी पे उनका उतना पकड़ नहीं रहता है, बोलते ज़रूर है लेकिन जब लिखने की बात कर दी जाती है ना, पढ़ने की बात, तो उनका वो समझ भी नहीं पाता, वो एक्चुअली वर्ड्स को ही नहीं समझ पाते हैं। जैसे आप इंग्लिश को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हिंदी वाले क्या, हिंदी मीडियम वाले हमेशा इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और अधिक से अधिक, इसलिए वर्ड मीनिंग को उनको याद करना होगा। तो सारे स्लाइड, जितना भी स्लाइड आप देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी पेस्ट जरूर राइट डाउन कीजिएगा और रोज़ रिवीजन कीजिएगा इस वीडियो के बाद भी, क्योंकि मेहनत तो आप ही को करना है दोस्तों। जैसे हवाई रास्ता, एयरलाइन है ना, एयरलाइन, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, पोर्ट। चित्राधार, एल्बम, चित्राहार नहीं, चित्राधार, तो एल्बम उस चित्रहार भी बोल सकते हैं, एल्बम तो वो है। देखिए शराब, मद्य, अल्कोहल, मद्य मीन्स भी शराब होता है, लिकर इसका मतलब लिकर हो गया, शराब मीन्स लिकर भी बोलते हैं, अल्कोहल भी बोलते हैं, अल्कोहल को अलग एक अल्कोहल इस सेंस में लिया जाता है। चलिए जिंदा, अलाइव, सब, ऑल। संधि, अलायंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, अनुमति, अलाउ। प्रायः, ऑलमोस्ट, अकेला, अलोन। पहले ही, ऑलरेडी, भी, ऑल्सो। बदलने, अल्टर, अल्टर अल्टरनेटर बोलते हैं ना, अल्टरनेट वही अल्टर है। विकल्प, अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सब वर्ड्स को देखिए, एक रोज अगर 12 से 15 मिनट आपको देखते हैं वर्ड मीनिंग को, तो एक आपका तो वोकैबुलरी आपका बनेगा। अब जैसे आपको पता रह है तो अच्छी बात है, कि यद्यपि का क्या होगा इंग्लिश, तो ऑल दो, क्या पढ़ाता है इसे ये भी याद रखिए, ऑल दो। सर्वदा का ऑलवेज, बजे, जैसे एम बोलते हैं एक्चुअली, जब ये आफ्टर मेरिडियन होता है ये 12 बजे रात से होता है, तो रात से शुरू होता है एम, सुबह के दोपहर के 11:59 तक को एम बोलते हैं है ना। और पीएम बोलते हैं दिन के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक को। अद्भुत को बोलते हैं अमेजिंग, अमेरिकन, अमेरिकन जोड़ना, अमोंग, तो यहाँ पर नहीं अमोंग नहीं होगा, थोड़ा सा ये देखिए यहाँ करेक्ट कीजिए अमोंग का, तो हो जाएगा दोस्तों अमोंग का के बीच में है ना, के बीच में, या मे भी बोल सकते हैं अमोंग के लिए, या से घिरा हुआ भी बोल सकते हैं, से घिरा हुआ अमोंग, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है राशि, अमाउंट। विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषक, एनालिस्ट। विश्लेषण करें, एनालाइज, एनालिस्ट, एनालाइज,
एनालिसिस, प्राचीन, एंशिएंट और एंड, क्रोध, एंगर, कोन, एंगल। ये देखिए दोस्तों, इंग्लिश में कोई अगर सेंटेंस लिखना है कि वह बहुत ही गुस्सा है ना, तो कैसे आप लिखेंगे? ही इज एंग्री, वह गुस्सा है ना, इज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्सा है। तो आपको पता ही नहीं रहेगा गुस्सा के लिए क्या वर्ड इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो कैसे आप कर पाएंगे? इसलिए अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग को याद करते चलिए, कॉपी पे लिखिए, मेहनत तो आप ही करना है। सोचो एंग्री हो गया, और जानवर के लिए एनिमल, सालगिरह, एनिवर्सरी, यार कौर बोलते भी लगा वर्ड, एनिवर्सरी, घोषणा करना, अनाउंस है ना, आउंस, सी को सब बोलते हैं, आउंस, अनाउंस, वार्षिक, एनुअल, एक और, अनदर, उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर, प्रत्याशा करना, एंटीसिपेट, चिंता, एंग्जाइटी, अनेक, एनी, प्रवेश, एनीबॉडी, अब, एनीमोर। नेक्स्ट है भर्ती, तो भर्ती का रिक्रूट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखना होगा कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति, क्योंकि एनी वन पर ऐसे लिखा हुआ, इंग्लिश पे ध्यान देना है, तो कोई व्यक्ति, और भर्ती के लिए रिक्रूट हो जाएगा, तो ये अलग वर्ड है भर्ती, और एक कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, तो कोई व्यक्ति के लिए हो जाएगा एनी वन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और हिंदी और अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप तो इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हैं या आप इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होगा कि इस तरह के वर्ड मीनिंग आप अधिक से अधिक याद करें। जैसे वैसे भी, एनी वे, कहीं पर भी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीवेयर, एनी वे, एनी वन, एनीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाह देना, अपार्ट, मकान, अपार्टमेंट, उसके देखिए स्पष्ट, अपेरेंट, बोलते हैं ना पेरेंट, पेरेंटली बोलते हैं, तो ये अपेरेंट हो गया, जाहिर तौर पर, अपेरेंटली, अपील, अपील को अपील बोलते हैं, प्रकट, अपीयर, उपस्थिति, अपीयरेंस, ए एन सी को बोलते हैं एंस, तो अपीयरेंस, सेव, एप्पल, आवेदन, एप्लीकेशन, टी आई एन को बोलते हैं शन, तो हो गया एप्लीकेशन, लागू करना, अप्लाई, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करना, अपॉइंट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, और आपने 70 वर्ड मीनिंग देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वर्ड मीनिंग दोस्तों आपके जीवन को बदलने वाला है आपको, क्योंकि जब आप लिखेंगे वर्ड सेंटेंस लिखेंगे, तो यही वर्ड मीनिंग आपके बहुत ही काम आएगा। जैसे कॉपी पे एक कॉपी बना लीजिए वर्ड मीनिंग का अलग से, और उस पर आप वर्ड मीनिंग रोज वाले लिखते चलिए। दोस्तों देखिए कुछ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, तो पता नहीं चलेगा वीडियो कब कब और किस किस तरह का वीडियो आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, आपको इंग्लिश के प्रति आपका पूरा समर्पण चाहिए, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते जुलते ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।